सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर शुक्रवार सुबह एक शव मिलने से हंगामा मच गया। सिंघू बॉर्डर पर आज सुबह एक शख्स का हाथ काटकर उसकी लाश को लटका दिया गया था। किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास एक शख्स को जिस बेदर्दी से मारा गया उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए हैं। अब इस घटना का दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि जमीन पर पड़ा युवक तड़प रहा है। इस मामले को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि इस हत्या के पीछे निहंग सिख हैं। किसान मोर्चा ने कहा कि निहंग सिखों ने ही इस शख्स का हाथ काटा और उसकी जान ली, जबकि इस मामले में निहंग सिख मृत युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अब इस मामले में संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद को निहंग सिखों से अलग कर लिया है और कहा है कि वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेंगे। बताया जा रहा है कि निहंग सिखों के अत्याचार का शिकार हुआ शख्स पंजाब के तरन तारण जिले के चीमा खुर्द गाँव का निवासी है। उसका नाम लखबीर सिंह बताया जा रहा है। 35 साल के लखबीर सिंह की 3 बेटियां हैं। खबरों के मुताबिक लखबीर मजदूरी का काम करता था और उसे नशे की भी लत थी। हरियाणा के सोनीपत जिले के DSP हंसराज ने बताया कि कुंडली थाने में सुबह 5 बजे घटना की सूचना मिली थी। DSP के मुताबिक थाने में यह बताया गया था कि किसान आंदोलन जिस जगह पर चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक व्यक्ति का हाथ पैर काट कर लटका दिया गया है। पुलिस को सूचना मिली, कौन था ये व्यक्ति जिसकी मौत हुई है? देखिए, आज सुबह 5 बजे थाना कुंडली में सूचना मिली थी कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसकी स्टेज के पास एक आदमी का हाथ पांव काट के लटकाया हुआ है। इस सूचना पे हमारे थाने से जो SI संदीप है, जिसकी SDO ड्यूटी थी, वो अपने मुलाजमों के साथ मौके पे गया। उसने वहां जाके देखा कि एक आदमी का हाथ पांव काट रखा है, शरीर पे केवल अंडरवियर पहना हुआ था और बैरिगेट के साथ उसकी डेड बॉडी लटकी हुई थी। वहां पर जो लोग थे उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि किसने ऐसा किया है, और अभी तक भी उस आदमी की जो है शनाख्त नहीं हो पाई है। हम उसकी कोशिश कर रहे हैं और FIR लॉज कर ली है हमने अननोन आदमी के खिलाफ, और उसकी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा आपको बताएगा। वीडियो सर्कुलेट हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब का अपमान किया गया, इस वजह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया। देखिए, इट्स द मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तफ्तीश का मामला है। वीडियो में क्या आया है, लोग क्या कह रहे हैं, अफवाहें क्या हैं, ये चलती रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आएगी वो तथ्य आपको बताई जाएगी। ठीक है जी। अब इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सिंघ बॉर्डर की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, अगर राकेश टिकैत ने योगेंद्र यादव के बगल में बैठकर लखीमपुर में हुई मॉब लिंचिंग को जायज नहीं ठहराया होता तो कुंडली में आज शख्स की हत्या नहीं होती। किसानों के नाम पर आंदोलन में हो रही अराजकता का पर्दाफाश होना चाहिए। मालवीय ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा कि बलात्कार, हत्या, वैश्यावृत्ति, हिंसा और अराजकता, किसान आंदोलन के नाम पर यह सब हुआ है। अब हरियाणा की कुंडली बॉर्डर पर युवक की बर्बर हत्या भी इसमें शामिल हो गई है। आखिर यह हो क्या रहा है? किसान आंदोलन के नाम पर यह अराजकता करने वाले लोग कौन है जो किसानों को बदनाम कर रहे हैं? हालांकि अखिल भारतीय किसान सभा ने घटना का खंडन किया है और कहा है कि यह किसान आंदोलन को बदनाम करने की एक संयोजित साजिश है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।